नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उन्नाव रेप पीड़िता की हालत गंभीर, कल देर रात पीड़िता को दिल्ली लाया गया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली शिफ्ट किया गया है पीड़िता को। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है पीड़िता। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एयर एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ से पीड़िता को दिल्ली लाया गया है। पीड़िता की मां से DCWO अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मुलाकात की है। एम्बुलेंस के लिए एयरपोर्ट से एम्स तक एक लेन रिजर्व कर रहा है। तो एयरपोर्ट से एम्स 18 मिनट में पीड़िता को लाया गया है। तो आपको बता दें कि कल पीड़िता की हालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीड़िता की हालत है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। लगातार जो पीड़िता की हालत है वो गंभीर बन रही है, इसी के चलते उसे दिल्ली शिफ्ट किया जाए। तो आपको बता दें कि पीड़िता के परिवार की तरफ से लखनऊ में इलाज करने की बात कही गई थी, जिसके बाद लखनऊ में ही पीड़िता का इलाज चल रहा था। लेकिन जिस तरह से लगातार पीड़िता की स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसी को देखते हुए अब दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में उसको भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता की मां से DCWO अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हो। तो उन्नाव रेप पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है और पीड़िता को कल देर रात दिल्ली लाया गया है। तो एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता को भर्ती कराया गया है। लगातार R9 TV पर आपको पल पल की अपडेट हम इस खबर से जुड़े हुए दे रहे हैं। आप देखते रहिए R9 TV।